साढ़ौरा भाजपा मंडल पदाधिकारियों द्वारा आज नई अनाज मंडी में जाकर लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। मास्क है, ये ले लीजिए। चलो वहाँ चलो, ले तीन फोटो एक अखबार में लगाइए इनकी फोटो। नाम तो जाएगा आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी मजदूरों को, गरीब आदमियों को मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया गया और हमने जगह जगह कैंप लगा करके सभी को सैनिटाइजर दिए और मास्क दिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सारा प्रोग्राम रखा गया। आज इस महामारी को देखते हुए भाजपा मंडल स्तर द्वारा जो पार्टी की नीति रीति के अनुसार जो हमें दायित्व मिला है कि ये सारे का सारा सैनिटाइजर और मास्क बांटे जाएं, उसी अभियान के तहत हमने आज लगभग 1200 मास्क थे और इतने ही सैनिटाइजर हमने मंडी में मजदूरों को दिए और उनको ये भी समझाया कि आप जो सरकार के जो दिशा निर्देश है, सरकार की जो गाइडलाइंस है, उसके अनुसार आप ये काम करें और अपने आप को भी बचाएं, अपने परिवार को भी बचाएं। इसमें हमारे साथ हमारे बहुत से वरिष्ठ साथी भी मौजूद रहे, विशेषकर हमारे जो मार्केट कमेटी के सचिव हैं वो भी हमारे साथ इसमें इन्होंने हमारा सहयोग किया है मास्क बांटने में। और हम जैसे जैसे आगे ये कार्यक्रम चलता रहेगा, हम क्योंकि हमने परसूलपुर मंडी में भी एक वितरण करना है और आने वाले कुछ दिनों में हमें और मास्क और वो सैनिटाइजर मिलेंगे, तो जैसे जैसे पार्टी के हिसाब से हम लोग आगे आगे पखवाड़े के अनुसार आप ये मास्क और ये सैनिटाइजर बच्चों से बांटते रहेंगे। तो मैं सभी से पूरा निवेदन करता हूँ जो मंडी में जिनको हमने मास्क दिए हुए, सभी से निवेदन है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, इसीलिए आपको दिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे और जो महामारी है इससे हम लोग बच सकें। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सारे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि ये महामारी कोरोना भयंकर रूप से फैल रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए उनको सैनिटाइजर और मास्क देकर उन्हें सुरक्षित रहने के लिए ये अभियान चलाया गया है। और आज से ढोरा अनाज मंडी में जो लेबर यहाँ की है मंडी की, उसको सैनिटाइजर और मास्क दिए गए हैं। कल को अनाज मंडी रसूलपुर में ये अभियान चलाया जाएगा और लोगों का ठीक रिस्पांस मिल रहा है और लोग इस पे अमल भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।